हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिकास कुकिंग डायरी। दोस्तों, आज मैं सैंडविच बनाने में इस्तेमाल होने वाली गाढ़ी ग्रीन चटनी की रेसिपी दिखाने वाली हूँ। सैंडविच स्टॉल पर जो गाढ़ी चटनी होती है, वो किस तरह गाढ़ी बनती है, उसका सीक्रेट आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप हरा धनिया लिया है, उसके बाद ली है 5 हरी मिर्च, लहसुन की 4 कलियाँ, नमक, 1/4 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच जीरा और 1/2 कप पुदीना और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सर जार ले लेते हैं और उसमें हमने यहाँ पर जो 1 कप हरा धनिया लिया है वो डाल लेते हैं। धनिया की मैंने थोड़ी डंडियाँ रखी हुई है। उसके बाद 1/2 कप पुदीने के पत्ते जार में डालेंगे। फिर लेंगे 5 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच शक्कर, लहसुन की 4 कलियां और स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे एक बार घुमाकर थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर चटनी को मैंने एक बार घुमा लिया है। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और फिर से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, चटनी को मैंने फिर से ग्राइंड कर लिया है। अब बारी है हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट को चटनी में मिलाने की। तो ये रहा हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ब्रेड। यहाँ पर मैंने ब्रेड की स्लाइस ली है जिसके कॉर्नर को हमें नहीं निकालना है, पर यहाँ पर ये जो ब्रेड की कॉर्नर है वो थोड़ी ज्यादा डार्क है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब इस ब्रेड के टुकड़े करके हम जार में डाल लेते हैं। अब फिर से एक बार हम इसे घुमा लेते हैं। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही गाढ़ी है, तो इसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं और फिर एक आखिरी बार इसे फाइन पेस्ट होने तक पीसेंगे। हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो अब इस चटनी को हम इस बाउल में निकाल लेते हैं। तो इस तरह बनती है सैंडविच की गाढ़ी ग्रीन चटनी। इस चटनी को आप कम से कम 5 से 6 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब ब्रेड ले लीजिए, उस पर बटर लगाकर फिर इस चटनी को ब्रेड पर अपने पसंद के अनुसार स्प्रेड करें। तो दोस्तों, आपको सैंडविच चटनी की रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिए लाइक के बटन को प्रेस कर दे और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी नई रेसिपी वीडियो आए आप मिस ना करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।